आज का मानव भगवान को ही नहीं छोड़ रहा। विधाता ने जाति बनाई और उसमें बाबा तुलसी ने क्या कह दिया, ढोल गमार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें क्या बुरा कह दिया भाई, अर्थ तो समझिएगा, ताड़ना करते देखना होता है। तो जिन महापुरुषों ने श्री रामचरितमानस को रचा उन पर उंगली उठाना, जिनका चरित्र है उन पे उंगली उठाना, आज के मानव की इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो मेरा बस ये कहना है कि ये विधि के विपरीत जाना है, और उनको लगता है कि महापुरुषों पे उंगली उठाना, राम जी के चरित्र पर उंगली उठाना कि उन्होंने सीता जी को वनवास दिया, कि ये दिया वो दिया। श्री रामचरितमानस में तो लिखा नहीं कि वनवास दिया, कोई मुझे बता दे लिखा हो तो। जो बाबा तुलसी अहिल्या जी के विषय में श्री रामचरितमानस में कोई कथा विस्तार से नहीं लिख रहे, बस दो पंक्तियों में इशारा दे दिया, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। केवल इन दो पंक्तियों में, सिर्फ दो लाइनों में राम जी को बात बता दी, इशारा दे दिया। जो बाबा तुलसी किसी के दोस्तों को नहीं लिखते हैं, जो लिख रहे खल प्रयास होए हित मोरा, जो ये लिख रहे हैं श्री रामचरितमानस में कि अगर कोई व्यक्ति हमारी बुराई करता है तो इसमें मेरा भला होगा, क्योंकि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं तो मैं अच्छा तो नहीं लिख पाऊंगा। बाबा तुलसी कह रहे हैं मैं कुछ अच्छा तो नहीं लिख पाऊंगा। अब जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो बुराई तो करेंगे, तो उनकी बुराई करने से मेरा भला ही होगा। जिन्होंने किसी के बारे में कोई निंदक शब्द लिखा ही नहीं, उस श्री रामचरितमानस को जलाया जा रहा है। तो ये विधि के विपरीत नहीं है? विधाता खुश होंगे इसको देख के।